ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः उस दिव्य महान पवित्र आत्मा को मैं श्री पंचायतीय अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर और समस्त सचिव गणों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद, क्योंकि श्याम चेतन की जगह मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि आए हुए सभी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े के आचार्य जी महाराज, सभी पूजनीय सम्माननीय श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर वृंद, पंच परमेश्वर के सभी श्री महंतगण, सभी सचिवगण, श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े के सभी पंच के श्री महंत सचिवगण, उपस्थित सभी संतगण, महाराज श्री जी के भारत के विभिन्न भागों से आए हुए समस्त भक्तगण, महाराज जी का महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक जब हुआ था तो हम लोग तो शैशव काल में थे। इन बहुत लंबे समय से 89 से लेकर के आज तक पिछले वर्ष जब उनका पंचभौतिक शरीर भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित हुआ तो हम सब अखाड़े के पदाधिकारी महाकाल मंदिर उज्जैन में ही थे। जैसे ही हमें समाचार मिला, भगवान को विशेष प्रार्थना की कि उस दिव्य महान विभूति को कैलाश में अपने चरणों में निवास दें। शिवचेतनपुर जी महाराज के विषय में जितना भी इस विद्वत सभा के महामंडलेश्वरों ने कहा है वो कम है। उनके जैसे महामंडलेश्वर शायद ही अखाड़े को कभी कोई प्राप्त हो। मैंने उनको कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी फाड़ते हुए देखा है। आज के समय में साधु गद्दी और गाड़ी पर तो सब बैठना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। आज के समय के जो नूतन महामंडलेश्वर हैं, उन लोगों को, उन दिव्य महान विभूतियां जो आज भी कुछ हमारे अखाड़े में वरिष्ठ लोग हैं, उनके निजी जीवन से प्रेरणा और शिक्षा लेनी चाहिए। हम बहुत बड़े महान तभी बनते हैं जब हमारे विचार कायिक मानसिक और वाचिक रूप से अपने गुरु और इष्ट के प्रति समर्पित रहे। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की जो महान परंपरा रही है उसमें उनका जो योगदान रहा है, आर्थिक रूप से वो इतने संपन्न नहीं थे, लेकिन उनकी जो विश्वास और श्रद्धा, 5 वर्ष का या 10 वर्ष का या 25 वर्ष का भी अगर कोई व्यक्ति श्री महंत बन गया तो स्वयं आसन उठा करके वो बिछाते थे। उनकी सरलता और साधुता जिसका आज हम सब लोग स्मरण कर रहे हैं। मैं इस महाकुंभ 2021 जो वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित है, पिछले वर्ष जब उनका कैलाशवास हुआ तो श्याम चेतन जी ने कहा, महाराज जी आपके नाम से एक पत्र लिख करके गए, मुझे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा अगर महाराज जी का लिखित है तो महाराज जी के आदेश जैसे ही शब्दों में उन्होंने उस पत्र को लिखा है हमको उसको उसी रूप में साकार करना है। हरिद्वार कुंभ में ही उनकी इच्छा थी कि मेरी षोडशी और समष्टि भंडारा हो, जिसमें दोनों अखाड़े के आचार्य, सभी महामंडलेश्वर वृंद, अखाड़े के सभी पदाधिकारी और जो भी उनके भक्त हैं। श्री कृष्णवास आश्रम से उनका पुराना संबंध रहा है, मैं भी 10 महीने यहाँ रहा। उस समय की परिस्थितियां समाज की और आज बहुत अंतर है। 86 के कुंभ से 98, 98 से 2010 और 2021 इस कालखंड में विद्वता के जो मानदंड थे महानिर्वाणी अखाड़े ने जिस प्रकार से स्थापित किए थे, समाज में आज बहुत उसका क्षरण हो रहा है। मुझे गौरव है कहते हुए, मैं आप सब लोगों की प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी संपूर्ण विश्व में एक नंबर पर महामंडलेश्वरों के मामले में, अनुशासन के मामले में, साधुता के मामले में, सरकार और समाज की ये जो रिपोर्ट अभी कुंभ मेले में आई है उसमें सर्वप्रथम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। कल जो शाही स्नान हम करके आए, इंटरनेशनल मीडिया और अधिकारी मेरे पास आए शाम को कि महाराज जी हम स्तब्ध हैं, घाट पर जब आप लोग गए 10-12 मिनट तक आप क्या कर रहे थे किसी को कुछ पता नहीं,
इतना अनुशासन और दोनों आचार्य और दोनों अखाड़े के पंच के श्री महंत हमारे इष्ट देवता हमारी पूजा के जो विग्रह हैं उसकी पूजा के उपरांत ही सब लोगों ने गंगा को स्पर्श किया। मैं आप सब लोगों के लिए जो कल का शाही स्नान हुआ है अखाड़े की तरफ से सभी महामंडलों का आचार्य वृंदों का पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। और आज की ये सभा श्याम चेतन को मैंने कहा तुम मेरा नाम कार्ड में छपवाना नहीं क्योंकि महाराज जी का आदेश ही हमारे लिए नाम है। लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद और भक्तों की जो श्रद्धा है बड़वा में जो भगवान शिव का विग्रह उन्होंने स्थापित किया अखाड़े के अधिकांश महात्माओं ने जो नए आश्रम बनाए हैं नरोदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित करने की जो प्रेरणा ब्रह्मलीन शिवचेतनपुरी महाराज ने दी है जब भी उस शिवलिंग के हम दर्शन करते हैं तो महाराज की स्मृति सामने आती है। ब्रह्मलीन प्रेमपुर जी महाराज ने अपने प्रेम की प्राकाष्ठा से शिव को प्राप्त किया और शिव स्वयं भगवान कृष्ण के बाल्य स्वरूप के दर्शन करने गोकुल पधारे थे। उन्होंने जो प्राकाष्ठा की उसमें श्याम चेतन के रूप में उन्होंने हम लोगों को सौंप के गए हैं उनके जीवन के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पुनः एक बार आप सब लोग यहाँ पधारे जो भी लोग यहाँ आए हैं कांसिक कायिक मानसिक वाचिक रूप में जो भी सेवा करने वाले ब्राह्मण साधु सब लोगों के लिए बहुत बहुत आभार। इसके उपरांत भंडारे की व्यवस्था है जो 16 महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर कुछ वरिष्ठ मंडलेश्वर सोरसी वाले हैं उनकी व्यवस्था उस साइड में है। बाकी जो महामंडलेश्वर और अखाड़े के जो अधिकारी हैं उनकी इस पंडाल के पीछे व्यवस्था है। मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अनुशासन और नियम के अनुसार आप सब लोग भोजन करें। महाराज जी की षोडशी का ये प्रसाद है। पुनः एक बार श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से उस दिव्य महान विभूति को बहुत बहुत श्रद्धांजलि भावांजलि दोनों आचार्य और समस्त महामंडल के चरणों में ओम नमो नारायण करते हुए अपनी वाणी को विराम। इति शुभम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।